सियासत अनिश्चितताओं का खेल है और सियासत अपने रंग और अपने चाल को कब बदल दे शायद किसी को नहीं पता। सियासत में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त होता है। जहां सियासतदान अपना फायदा देखते हैं वहां वो अपने हिसाब से बिसात को बिछा देते हैं। यही हाल कुछ यूपी में भी है। यूपी में अखिलेश के साथ गठबंधन में साथी ओम प्रकाश राजभर का है जो कि यूपी चुनावों में बीजेपी को खरी खोटी सुनाते थे, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा खेला कर दिया है, यानी कि वो बीजेपी के साथ साफ तौर पर दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के बीच दोस्ती की खाई गहराती जा रही है। सपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर इन दिनों सियासी उलझन में हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच सहमत के खेल में राजभर ने अपना पत्ता खोल दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या राजभर राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन कर बीजेपी के साथ एक बार फिर से ताल मिलाकर चलेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी और तमाम साथियों की तरफ से ये मेरे सामने बात रखी गई कि आप वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हो, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद कहा कि मैं सबसे निचली पायदान से आती हूँ। अब मुझे जो जानकारी मिली है, जो मैं आपको विषय में जानती हूँ कि आप लड़ाई कमजोर की लड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में आप हमको समर्थन दीजिए, इस बात की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया। ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। इसका मतलब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी बीजेपी का समर्थन करेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया कि अपने विधायकों के साथ बैठक कर वह फैसला ले रहे हैं। वहीं राजभर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और द्रौपदी मुर्मू ने समर्थन मांगा था, अमित शाह का फोन भी आया था और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा था। वहीं अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि यशवंत सिन्हा के समर्थन में सहयोगी दल के तौर पर रालोद के जयंत चौधरी को बुलाया जा सकता है, तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि हम अभी भी गठबंधन में हैं, वो चाहे तो निकाल दें। राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके नवरत्नों में से एक रत्न ने बोला था कि आप अपना देखो हम अपना देख लेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता को जरूरत नहीं हम लोगों की है, ऐसा हमने महसूस किया। जब प्रेस वार्ता करते हैं तो जयंत चौधरी को बुला लेते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को न बुलाना। राज्यसभा का चुनाव आया तब राज्यसभा जयंत चौधरी के दे देना, और उसके बाद एमएलसी का चुनाव आया तो हम लोगों को न पूछना। ये तो एक तरह से इग्नोर करने की बात ही हो रही है उनके यहाँ से। अब देखिए, अब हम लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग द्रौपदी मुर्मू का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अपील पर और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सिर्फ वोट की बात हुई, सिर्फ वोट को लेकर के बात हुई। लेकिन अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि राजभर की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ रही है। दरअसल राजभर की बेचैनी आजमगढ़ उपचुनाव में सपा की हार से उभरी है, क्योंकि सपा के दुर्ग में कमल खिलने से राजभर को लग रहा है कि ऐसा ही सपा का प्रदर्शन रहा तो उनका सियासी भविष्य क्या होगा। यही वजह है कि राजभर नए तरीके से सियासी पलटी मारने की तैयारी में है, क्योंकि अखिलेश यादव के सहयोगी दल एक एक कर छिटक रहे हैं। चुनाव के बाद महान दल ने सपा गठबंधन से सबसे पहले नाता तोड़ा, तो अब ओपी राजभर अलग होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। राजभर और सपा के बीच गठबंधन टूटता है और राजभर फिर से बीजेपी के साथ आते हैं, तो पूर्वांचल के इलाके में बीजेपी को टक्कर देना अखिलेश यादव के लिए काफी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।